हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं चिलकूर बालाजी मंदिर और जानेंगे इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। चिलकूर बालाजी मंदिर उस्मान सागर झील के किनारे स्थित है। यह हैदराबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करीब 500 साल पहले बने इस मंदिर को तिरुमला मंदिर का विकल्प माना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान बालाजी वेंकटेश्वर हैं, उनके साथ श्रीदेवी और देवभूमि भी हैं। यह मंदिर तेलंगाना के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भक्त रामदास के चाचा अक्काना और मादना के समय में बनवाया गया था। अगर आप रामदास, अक्काना और मादना के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो गोलकोंडा फोर्ट को ज़रूर देखें। कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण एक भक्त द्वारा किया गया था जो हर साल तिरुपति जाया करता था, पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अब तिरुपति मंदिर नहीं जा सकता था। भक्त के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वेंकटेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और भगवान की मूर्ति खोजने और एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। तब से कई लोग जो तिरुपति मंदिर नहीं जा सकते अक्सर यहाँ आते हैं। यह मंदिर भक्तों के विदेश जाने के लिए वीजा प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए यह मंदिर वीजा बालाजी मंदिर के नाम से भी प्रचलित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस मंदिर पर पूरा एक लेख लिखा है जिसमें ये बताया गया है कि वीजा प्राप्त करने के लिए कैसे भारतीय इस मंदिर में आते और प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर की एक और उल्लेखनीय पहलू ये है कि यह देश के उन गिने चुने मंदिरों में से है जो हुंडी में किसी भी तरह का आर्थिक दान स्वीकार नहीं करते हैं। मंदिर पूरे सप्ताह खुला रहता है। ऐसा अनुमान है कि हर हफ्ते लगभग 75,000 से 1,00,000 लोग चिलकूर बालाजी मंदिर आते हैं। मंदिर में कई महान आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु भी आते हैं। आमतौर पर भक्त एक सामान्य पैटर्न का पालन करते हैं। वे 11 पर दक्षिणा लेते हैं और देवता की प्रार्थना करते हैं। एक बार मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद भक्त अपना आभार प्रकट करने के लिए मंदिर आते हैं और 108 परदक्षिणा लेते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।